जो पैसेंजर्स हैं उनका यूनिवर्सल स्क्रीनिंग कर रहे थे। लेकिन अभी हम लोगों ने ऐसा सोचा है, क्योंकि जो हम देख रहे हैं कि जो बाहर के देश से भी जो है लोग आके इन्फेक्ट कर रहे हैं, मैं दूसरा अभी इटालियन के बारे में भी आपको बताऊंगा, तो अभी जितने भी इंटरनेशनल पैसेंजर्स जो भी बाहर की किसी भी जगह से फ्लाइट से आएंगे, अब हम लोग उनकी सबकी स्क्रीनिंग करेंगे। ये ऑल फ्लाइट्स एंड एवरीबॉडी विल बी पार्ट ऑफ द यूनिवर्सल स्क्रीनिंग, दैट इज वन डिसीजन दैट वी हैव टेकन। दूसरा, जो अभी हमने कल शायद आपके साथ नहीं शेयर किया था, लेकिन कल इंटरव्यू वगैरह में डिस्कस किया था कि हमारा हम प्रयास कर रहे हैं कि अगर ईरान की सरकार ने हमारे को सहयोग किया, तो ऑलरेडी हमने एक वैज्ञानिक अपने कल भेज दिए हैं, अभी 4 बजे 3 वैज्ञानिक और जा रहे हैं, और आज रात को हम लोग एक ईरान भी लैब को एस्टैब्लिश करने के लिए अपना सारा इक्विपमेंट इत्यादि सारी चीज़ें भेज रहे हैं। अगर वहाँ की सरकार के द्वारा ठीक प्रकार से हमें सपोर्ट मिल गया, क्योंकि कस्टम्स वगैरह सारे ये इक्विपमेंट को क्लियर कराना होता, तो हमारा इंटेंशन ये है कि हम वहाँ ईरान के अंदर भी एक लैब को एस्टैब्लिश करें, और जो लोग वहाँ से ईरान से हमको वापस लाने हैं उनको अगर हम प्रेफरेबली टेस्ट करके लाते हैं तो बहुत अच्छा है। इसको हम विषय को अभी अपने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में भी थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक और जानकारी आपको देनी है कि एक इटालियन ग्रुप, ये करीब 30-24 लोगों का ग्रुप, जो ये मच बिफोर लगभग 21 फरवरी को ये भारत में घूमने के लिए आया था, और उस समय ये इटली जो है ये यूनिवर्सल स्क्रीनिंग पार्ट नहीं था, तो उनमें से एक मेंबर को बुखार इत्यादि हुआ जयपुर के अंदर, और उसको जब इन्वेस्टिगेट किया गया तो वो पॉजिटिव पाया गया। पॉजिटिव हमको इन्फॉर्मेशन मिली तो हमने उनके ग्रुप के जितने भी लोग थे उनको ने पहले वो वापस जाना भी चाहते थे, लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट ने उनको वापस आने के लिए मनाई किया, तो हमने उनको तुरंत आइसोलेट करके जो आईटीबी हमारा जो कैंप है वहाँ पे उनको शिफ्ट किया था, उनके ग्रुप के बाकी लोगों को। तो अभी वो जो ग्रुप है उसके बारे में लेटेस्ट जानकारी ये है कि वो जो एक व्यक्ति जिसको पॉजिटिव पाया था, उसने अपनी वाइफ को भी उसने इन्फेक्शन दिया, तो उसकी वाइफ भी पॉजिटिव आई, और उस ग्रुप के जो बाकी लोग जो थे उसमें से 14 लोग जो थे उनको जो है वो पॉजिटिव पाए गए उसी। दे आर ऑल इटालियंस। ये जो इंडियन जो ग्रुप टूरिस्ट जो यहाँ घूमने के लिए आए हुए थे, हु हैड कम टू इंडिया मच बिफोर वी वर स्क्रीनिंग पीपल कमिंग फ्रॉम इटली, उनमें से एक व्यक्ति को बुखार हुआ जयपुर में, उसको इन्वेस्टिगेट किया, वो पॉजिटिव आया, तो हमने उसके ग्रुप के सारे लोगों को आइसोलेट करके आईटीपीपी कैंप में तुरंत शिफ्ट कर दिया। वहाँ शिफ्ट करने के बाद जब उनकी टेस्टिंग कराई तो उसमें से 14 लोग जो है वो पॉजिटिव आए, प्लस 1 इंडियन जो उसको ग्रुप को चलाने वाला ड्राइवर था। तो दिस इज द इनफैक्ट 15 वो हो गए, और वो एक प्रकार से उनका हस्बैंड और जो है तो उस ग्रुप में से, तो टोटल 17 हो गए। तो अभी ये देखिए, अभी आपको सारा मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, 3 केसेस ऑलरेडी केरल में आए थे, केरल में आने के बाद वो के घर चले गए, फिर एक केस दिल्ली में आया, उसने 6 घर के रिश्तेदार को आगरा में इन्फेक्ट किया, एक उसके उसके ब्रदर इन लॉ वगैरह रहते थे, ही हैड गॉन टू आगरा आल्सो। हमने तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग किया ना, 4 लोगों का कॉन्टैक्ट ट्रेस किया उसका, उसमें आगरा के अंदर भी हमने सारे लोगों को जितने भी कॉन्टैक्ट पॉसिबल कॉन्टैक्ट हैं वी हैव बीन ट्रेसिंग एवरीथिंग, तो उसी के कारण उसने जो है अपने जो रिश्तेदारों को इन्फेक्ट किया, दैट इज हाउ वी कुड कैच इट, जिसके बारे में मैं अभी बता रहा हूँ। और जो दूसरा वाला केस था वो
तेलंगाना के अंदर आया था, जिसके उसके भी लगभग 88 के करीब जो है कॉन्टैक्ट ट्रेस किया गया। तो अभी एक ये इटालियन ग्रुप, एक ये दिल्ली में केस आया, इसने अपने रिश्तेदारों को इन्फेक्ट किया, और इसके साथ साथ जो तीन केरल में आए, और ये आगरा वाला मैंने बताया ना, छह लोग बताया ना। देखिए दिल्ली में जो एक केस आया उसने छह को इन्फेक्ट किया अपने रिश्तेदारों को। इटालियन जो ग्रुप आया, उस इटालियन ग्रुप ने अपने ही ग्रुप के जो है खुद को मिला के 15+2 17 लोगों को उसने अपने ही ग्रुप के इन्फेक्ट किया, जिसमें 17 में जो है एक इंडियन है जो ड्राइवर, 16+1 कह सकते हैं आप उसको जो है। अभी इसमें जो अब आप उसको टोटल कर लीजिए जो आपको मैंने बता दिया है, कितनी बार बताएंगे अभी देखिए। ये अभी जो मेरे पास जानकारी है उसके हिसाब से इनका टोटल 28 होता है। इस 28 में मैंने आपको ब्रॉड बताया कि तीन लोग केरल में आए थे, ठीक हो गए, एक दिल्ली में आया, वो ट्रेवल करके आया इटली से, जो जिसने अपने छह रिश्तेदारों को इन्फेक्ट करा, एक इटालियन ग्रुप जो ट्रैवलिंग के लिए भारत में आया था उसके जो है 16 इटालियन और उसको जो चला रहा था ड्राइवर एक इंडियन, वो इन्फेक्ट हुआ उस ग्रुप के अंदर जो है। तो दैट इज द एग्जैक्ट नंबर राइट नाउ विच इज विद अस, 5,89,000 लोगों की टिल यस्टरडे we had screened about 5,89,000 people at our airports, over 15,000 at our minor and major seaports, and over 10 lakhs at the borders with Nepal. That was the number, and about 27,000 people were under community surveillance till yesterday. So, sir, update kya hai jo positive